वैसे तो लोग कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे, और तू ऐसे हरकत करता है जैसे लगता है कि तू उनका पूर्वज है। जब भी मुंह खोलता है मेरा बेइज्जती ही करता है। तो तू क्या कैमरे पे भजन करने बैठा है? जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंसानों और बंदरों के बीच के नोक झोंक को, खींचा तानी को, महायुद्ध को। नो 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 जी हाँ, तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बंदरों के बहुत सारी अतरंगी हरकतें हैं, लेकिन इसने अभी इंसानों की कमजोरी समझ ली है। चश्मा ले भागा, समझ में आया कुछ? और अगर नहीं समझ में आया तो जरा इस भाई साहब का कहानी सुनिए। ये मैं हूँ चश्मा लगाए हुए, और वो गया मेरा चश्मा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वृंदावन घुसते ही मुझे यहाँ वार्निंग मिल चुकी थी कि कृपया यहाँ अपना चश्मा बंदरों से बचा के रखें। तो इस स्पेशल मंदिर को क्लियरली देखने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए चश्मा पहन लिया। फिर क्या, लो देख लो। बंदर मेरा चश्मा लेकर उसे चबाने लगा तो मैंने उसे च्युइंगम दे दिया। उसने लिया नहीं, फिर बिस्कुट ऑफर किया तो वो गुस्सा गया, चश्मा दे ही नहीं रहा। बंदर को कुछ और ही चाहिए था। फिर एक बच्ची आती है फ्रूटी का बॉटल लेकर, बंदर को वो बॉटल फेंकती है और बंदर चश्मा छोड़ जाता है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। मुझे अपना चश्मा मिल तो जाता है, बट उसके बदले मुझे उस बच्ची को 100 रुपए देने पड़ते हैं। बंदर ने मेरे चश्मे की हालत खराब तो कर दी थी, बट मैं ये सोचकर इम्प्रेस था कि कैसे वृंदावन के बंदरों ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया हुआ है। जी हाँ, तो भैया बात लेन देन तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन सब में सबसे कॉमन बात पता है क्या है? जरा ये देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फ्रूटी दोगे, फ्रूटी दोगे तभी देगा वो। मेरा भी तोड़ दिया, फ्रूटी दी तब दिया, देखो तोड़ दिया। तोड़ो ना भाई, वो तोड़ दे दे। क्यों हिला डाला ना? जी हाँ, ये लोग फ्रूटी शौक से नहीं दे रहे, एक्चुअली डिमांड यही है कि फ्रूटी ही चाहिए। क्या स्टैंडर्ड बढ़ गए बंदरों के भाई, पहला चश्मा मारा और उसके बाद फ्रूटी चाहिए। एक और देखिए प्रूफ के लिए। चश्मा चोर बंदर भी, चश्मा चुरा के ले गया। जी हाँ, फ्रूटी तो देना ही है, लेकिन इनके हाथ में चश्मा जाने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मींस अगर आपने ज्यादा देरी किया तो चश्मा का ये लोग सिर्फ लेंस छोड़ेंगे, बाकी वो खा जाएंगे, ऐसा है। और गलती से आप सस्ता चीज देने का ट्राई मत करिएगा। ले ले, अरे ले। चल बे सस्ता आदमी, फ्रूटी दे, फ्रूटी तो दूंगी। दे 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 दे। This is business। जी हाँ भैया, आपकी किस्मत फूटी अगर आपके पास ना हो फ्रूटी। हाँ, 2 मिनट। बिस्किट नहीं, फ्रूटी चाहिए भाई इसको। हाँ, ये बिस्कुट नहीं खाते, ना केला खाते हैं और ना सेब संतरा। ये फ्रूटी आ गई, अब देगा ये। हाँ भाई, ये क्या सोच है रे तेरी? मतलब लोगों ने फालतू में ये अफवाह फैला रखा है कि बंदर को अगर पैसे दोगे और केला दोगे तो वो केला लेगा। ना भाई ना, उस पैसे का फ्रूटी खरीद के लाओ तो वो लेगा। और हाँ, दुनिया में हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, तो बंदरों ने भी भाव बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, भाई एक और दो, सस्ते में ही ले लोगे?
चश्मा दो ना। दो में दिया भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। This is business. गया वो जमाना जब एक फ्रूटी में चश्मा वापस आ जाता था, अब दो लगने लगे हैं। हाँ लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगा, कैसे मैं बताता हूँ। एक तो मुंह में गया, एक हाथ में आपका सामान, एक हाथ में दूसरा फ्रूटी, तीसरा किधर रखोगे। पर ये लोग चश्मे तक ही शांत नहीं है, इनको पता है कि इंसान का सबसे कीमती चीज क्या है, मतलब किसके इशारे पे ये बंदर हो जाते हैं। देखिए ओ भाई, महंगी चीज पे हाथ मारा है, मोबाइल मिल गया लेकिन फ्रूटी पे मान गया। फेंको फेंको, दूसरे का ना रखना, तुझे मिल जाएगा। अरे ऊपर फेंक रहा है, ऊपर लटका दे भाई। एक और दे, अभी एक और ला। छोड़ दियो। आपकी मोबाइल फूटी, उससे पहले दे दो फ्रूटी। देखिए जरा, अरे भैया दे रहे हो फ्रूटी, इसको ही खा जाओ। अब खोली निकाल के देखता हूँ कौन सा ब्रांड है। ये चाइना ब्रांड है। फ्रूटी दे दो जल्दी, नहीं तो बैटरी का भी ब्रांड बता दूंगा। पर हर बंदर डील करने में इतने कमजोर नहीं होते। परफेक्ट डील, एकदम एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, देख लो। पर भाई उन बंदरों का क्या, जिनके हाथ ना ही चश्मा लग रहा है ना ही मोबाइल लग रहा है, तो दरवाजे के चप्पल पे ये लोग धंधा शुरू कर दिए। देखिए चप्पल दो, ले 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 चप्पल दो, दे यार। छोड़ गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन भाई इनको भी पता है कि चश्मा और मोबाइल से ज्यादा सस्ता चप्पल होता है, तो बिस्किट पे ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रूटी डिमांडेड नहीं है तो गाइस अभी आप देख रहे हैं, इसने मेरी चप्पल ले ली है, तो इसको हम बिस्कुट दे रहे हैं। और चप्पल दे भाई, चप्पल दे। चलो भाई की पुरानी चप्पल तो मिल गई, लेकिन जरा सोचिए कि चप्पल की जगह पे पूरा बैग ही हो तो क्या हो सकता है। नहीं क्या कर लोगे आप, देख लो। लो भैया अब बताओ, लोग कहते हैं कि पैसा दोगे और केला दोगे तो केला लेगा, इधर पूरा पर्स लेके भाग गया। नहीं ये लोग भी इंटेलिजेंट हो गए और इन लोगों को भी मालूम हो गया कि पैसे कुछ चीज होती है। लेकिन जिस दिन इसको पता लग जाएगा कि पैसा सिर्फ एक मोह माया है, पेट तो अनाज और खाने वाले चीजों पे ही पलने हैं, जीना तो उसी से है, तो उस दिन ऐसा नजर आएगा। नोट बरसाने वाले एक बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो वृंदावन का बताया जा रहा है।
दरअसल वृंदावन में बंदरों की भरमार है। अगर आप बिहारी जी या किसी और मंदिर में दर्शन करने गए होंगे तो आपका वहां बंदरों से जरूर सामना हुआ होगा। वृंदावन में बंदर लोगों का चश्मा, मोबाइल और पर्स छीनकर भाग जाते हैं। इस वीडियो में भी दिख रहा है कि शरारती बंदर किसी महिला का पर्स छीनकर भाग गया और उसे खोलकर उसमें रखा सामान और पैसे हवा में उड़ाने लगा। फ्रूटी देकर इस बंदर से पर्स लेने की कोशिश हुई, लेकिन वो फ्रूटी के छोटे छोटे पैकेटों से तो माना ही नहीं। फिर जब उसे फ्रूटी की बड़ी बोतल दिखाई गई तब बड़ी मुश्किल से उसने बैग वापस किया, लेकिन तब तक वो बहुत सारे पैसे हवा में उड़ा चुका था। पैसा ही पैसा हो गया। मस्त प्लान है। लो भैया, पैसा उड़ाया जा रहा है। नहीं, कर लो बराबरी अब इनकी। इतना है पैसा जो उड़ा सको? नहीं है तो बताओ मुझे, एड्रेस भेजो अभी कमेंट में, मैं आता हूँ वहां लूटने। बहुत तंगी चल रही है। नहीं, इतनी तंगी चल रही तो भीख मांग लेना। तू ही देना, दे 5 रुपए दे अभी। भाग गया, बकवास करता है। पर भाई ले दे के कुछ नहीं मिलता ना, तो आपके खोपड़ी से टोपी गायब, ऐसा भी हो सकता है। टोपा चोर बंदर देखिए, वृंदावन में टोपा चोर बंदर। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है। मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं, ये तेरे पास कोई और रास्ता है? तो भाई हमारी बंदरों की हरकतें समाप्त होती है और हमारी हरकतें शुरू होती है। हम आपको 2 लाइन सुनाने जा रहे हैं, अपना ध्यान दीजिएगा। तब तक आप इस एवज में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में कुछ लिख सकते हैं हमारे लिए, हमारे मेहनत के लिए। मालूम था कि कटना है, फिर भी इसका तलब लगा और जैसे ही फोन निकाल के उनको कॉल लगाया, बंदर मोबाइल ले भागा। टाटा बाय बाय, लाइक करके जाइएगा।